जिले के अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को राशि जारी होने के बावजूद पांचवें वेतनमान की एरियर की राशि नहीं मिल पा रही है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और डीईओ राजेंद्र मकवानी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अनुदान प्राप्त शिक्षा कर्मचारी संघ के प्रांत के अध्यक्ष बीएस यादव और संयोजक राजाराम बोरासी ने कहा कि अगर धनतेरस तक एरियर की राशि नहीं मिलती है तो धनतेरस के दिन 25 अक्टूबर को शिक्षक रीगल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर भीख मांगेंगे। भीख में मिली हुई राशि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली मनाने के लिए देंगे और स्वयं काली दिवाली मनाएंगे। अधिकारी महोदय से निवेदन करने आया हूं तो हो सके आप त्यौहार से पहले इसका भुगतान कर दें। आज मैंने आयुक्त महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र टीचरों का भुगतान करवाया जाए, अन्यथा हम 25 तारीख को धनतेरस वाले दिन जो है ना सारे शिक्षक साथी लोग रीगन चौराहे पर खड़े होकर के वहाँ पर भीख मांगे उसका कार्यक्रम रखेंगे ताकि इन अधिकारी कर्मचारियों की दीपावली मनाने के लिए हम कुछ उसमें अपना सहयोग कर सकें, जो भीख मांगे उससे। अनुदान प्राप्त विद्यालय शिक्षकों को जो एरियर की राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार उन्होंने 4 सितंबर को जारी कर दिया था, लेकिन इंदौर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा आज तक उसका आवंटन नहीं हुआ है। जो दिवाली दशहरे सब हमने बिना एरियर के जो शिक्षक रिटायर्ड हो गए उनकी राशि रुकी वो दिवाली मना दे रहे, इसके लिए शासन नहीं चाहता है या जिला शिक्षा अधिकारी नहीं चाहते कि वो उनको दिवाली मने, जिसके कारण लगता है कि हमको काली दिवाली मनाना पड़ेगी।